नमस्कार, मैं सना आप सभी का स्वागत करती हूं आज तक एआई के खास शो एआई टूजी में। आज हम जानेंगे एआई वर्ल्ड की बड़ी हलचल और बताएंगे कि एआई की दुनिया बीते कुछ घंटों में आपके लिए क्या नया लेकर आई है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया है जो गूगल के किसी पुराने इवेंट का है। इस वीडियो में सुंदर पिचाई गूगल एआई की खूबियां बता रहे हैं। सुंदर पिचाई वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं कि गूगल एआई के डीप एनालाइजेशन का इस्तेमाल करके सिर्फ आंख की रेटिना स्कैन कर कई बीमारियों का पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, ये बीमारियों का अनुमान भी लगा सकते हैं। इसके लिए ब्लड सैंपल और चीरा आदि लगाने की जरूरत नहीं होगी। सुंदर पिचाई ने बताया है कि सिर्फ एक रेटिना स्कैन से एज, बायोलॉजिकल सेक्स, स्मोकिंग हैबिट, डायबिटीज, बीएमआई और ब्लड प्रेशर की जानकारी मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर अपने एआई क्षमताओं में सुधार कर रहा है और केस स्पेसिफिक मॉडल भी बना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने ओरका नाम से एक नए एआई मॉडल को पेश किया है जो बड़े लैंग्वेज मॉडल की नकल करके सीखता है। रिसर्च पेपर के मुताबिक ओरका को GPT-4 जैसे बड़े फाउंडेशन मॉडल की रीजनिंग प्रोसेस की नकल करके छोटे मॉडल की बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले कई इनकम टैक्स रिटर्न का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। खासतौर से इसमें वो मामले शामिल हैं जिनमें वित्त वर्ष 2019 के दौरान चैरिटेबल ट्रस्टों और राजनीतिक दलों को किए गए डोनेशन के लिए कटौती का दावा किया गया है। इस साल 20 मार्च से 10 जून तक वेतनभोगी व्यक्तियों को सैकड़ों नोटिस जारी किए गए थे। आयकर विभाग ने एआई का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों की पहचान की है जिनकी कमाई के मुकाबले डोनेशन का रेशियो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम है। 80G के तहत राजनीतिक दलों और चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन के लिए 50-100% की कटौती का दावा किया जा सकता है। कई मामलों में जहां डोनेशन की ज्यादा राशि का दावा किया गया है, इसमें पुनर्मूल्यांकन नोटिस भेजा गया है। नालंदा शहर के नजदीक स्थित चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ब्रांच में नामांकन लेने की मंजूरी दे दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्टूडेंट 60 सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। AICTE की 2 सदस्यीय टीम में शामिल हिमाचल प्रदेश व छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट द्वारा 18 मई को इस कोर्स की मान्यता के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया गया था। 43 साल के शख्स ने एआई की मदद से डिजिटल गर्लफ्रेंड बना डाली। इस शख्स की पत्नी ने डिप्रेशन की वजह से खुद को शराब के नशे में डुबो दिया था, लिहाजा हालात के मारे शख्स ने एआई का सहारा लिया और एक डिजिटल गर्लफ्रेंड बना ली। इस गर्लफ्रेंड का नाम सरीना है और इसे प्रोड्यूस किया रेप्लिका ने। अब उनका दावा है कि उनकी इसी एआई गर्लफ्रेंड ने उनकी शादी बचा ली, वरना उनके दिमाग में भी पत्नी से दूरियां बनाने के साथ डेटिंग साइट वगैरह पर अलग ऑप्शन देखने जैसे विचार आ रहे थे।